नमस्कार प्रिय बंधु, आप देख रहे हैं शिक्षा का ज्ञान। और पहले वीडियो में हमने आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था और अब यमक का नंबर आया है। तो अब यमक अलंकार की परिभाषा हम बताते हैं आपको। जहाँ एक शब्द बार बार आए बार आए वहां यमक अलंकार होता है। साधारण सी इसकी परिभाषा लिखी है, जहाँ एक शब्द बार बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आपको देते हैं, हरि को ढूंढन, हरी चले चले, हरी बैठे बैठे, हरी पास, जब हरी से हरी मिले तो हरी हो उठे उदास। ये इसका उदाहरण हो गया, हरी को ढूंढन, हरी चले, हरी बैठे हरी पास, जब हरी से हरी मिले तो हरी उठे उदास। शब्द आया हरी, बार बार, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग है। हरी को ढूंढन, हरी चले, हरी बैठे उदास। पहला जो अनुप्रास था उसमें वर्ण आ रहा था और अब आया शब्द। बाप क्या हो गया, वर्ण और शब्द। वर्ण होता है कै खै गै, ये सब हमारा वर्ण है, इनसे मिलकर शब्द बनता है। शब्द बना कै खै गै, ये हो गया शब्द और यह है वर्ण। इन आप याद रखना, ये इसका उदाहरण हो गया आपको। साधारण सा उदाहरण है, अब अलंकार पर देख लेते हैं आप। जहाँ एक शब्द बार बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। हरी को ढूंढन, हरी चले, हरी बैठे हरी पास, जब हरी से हरी मिले तो हरी उठे उदास। इस प्रकार से आपको लिख देना है और आप कोने में जाकर के नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे हमारी इससे पुनः डली हुई वीडियो को भी दृष्टि में डाल सकते हैं। धन्यवाद।